हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। गणित क्लास 8 की वर्कशीट है ये, 24 की, ठीक है। इस वर्कशीट का टॉपिक है बहुभुजों के प्रकार। इसमें हम लोग समलम्ब के बारे में जानेंगे। देखिए, समलम्ब क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, समांतर हो। जैसे इस तरह की आकृति बन सकती है, इस तरह की बन सकती है और इस तरह की बन सकती है। पतंग के बारे में बात करते हैं। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। यानी जो आसन भुजा है ना, अगल बगल की, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ठीक वैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। और जो इनके विकर्ण होते हैं वो आपस में लंब होते हैं, इस तरह से। आप ये देख रहे हैं ना, लंब है ना ये। और एक विकर्ण का युग्म समद्विभाजित भी होता है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ऐसे ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसी प्रकार से ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है। ये सभी समांतर का एग्जाम्पल है। अब आते हैं कि प्रश्न है, दैनिक जीवन से कुछ समांतर चतुर्भुज के उदाहरण दो। देखो तो समांतर चतुर्भुज में अगर आप लिखना चाहो तो काजू की बर्फी हो सकती है, काजू की बर्फी, ठीक है। पतंग में पतंग ही एग्जाम्पल हो सकता है। और समलंब जैसी ऐसी क्या चीज होती है घर में? तो देखो, समलंब जो है एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो कोई भी समांतर चीज भी समलंब हो सकती है। जैसे दरवाजा ही लगा लो, दरवाजा भी समलंब का एग्जाम्पल है। किताब का पन्ना भी समलंब का एग्जाम्पल है। फर्श की टाइल भी है, क्योंकि समलंब में क्या कहा गया है कि एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। उसमें तो बल्कि दो जुड़े हैं आपस में, है ना। समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी है। हाँ है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समलंब के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो यानी जो समांतर चतुर्भुज है ना बेटा, वो समलंब है। क्यों? समलंब की क्या कंडीशन है कि एक भुजा समांतर होनी चाहिए परस्पर, एक जोड़ा। नंबर 3, पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज है। पतंग बनाने के लिए इसलिए काम आता है क्योंकि इसके लंब विकर्ण पतंग को मजबूत, ठीक है, मजबूत प्रदान करते हैं। यानी मजबूत क्या? स्थिति लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, देखिए, निम्न चतुर्भुजों के उदाहरण में से कौन से चतुर्भुज समांतर हो सकते हैं? समांतर पूछा है इसने, तो काजू की बर्फी हो सकती है, फर्श की टाइल समांतर है, आयत जैसा है तो समांतर ही है, शतरंज खेलने का बोर्ड उसी की तरह है ना। देखिए, बोर्ड पूरा वर्ग है, लेकिन वर्ग में तो समांतर के गुण होते हैं ना, तो हम इसको भी लिखेंगे। किताब का पेज कैसा है? आयत है, तो आयत इसमें भी समांतर वाले गुण है, तो ये भी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड भी, कैरम बोर्ड,
कपड़ों के पासे का सतह, दरवाजे की सतह और जूते के डब्बे का पृष्ठ भाग, ये सभी समांतर हो सकते हैं पतंग को छोड़ के। पतंग तो पतंग की तरह होती है ना। तो इस तरह से ये वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आप एक एग्जाम्पल दीजिएगा समांतर चतुर्भुज का दैनिक जीवन से, कि हमारे दैनिक जीवन में समांतर चतुर्भुज दिखने वाली कोई भी एक चीज, जैसे काजू की बर्फी है वैसा ही। आप भी कमेंट का इंतजार रहेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर।